अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद और आप सबको मेरे चैनल टेक मास्टर में खुश आमदीद। ये तो व्यूअर्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं गैलेक्सी A9 के कैमरास को, जो कि एक कैट कैमरा फ़ोन है और इसके जो कैमरा सेटअप है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका कैमरा सेटअप है। बेसिकली ये जो फ़ोन है ये एक कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन है और जो लोग कैमरे को इसको ये प्रेफर करना चाहते हैं फ़ोन के साथ साथ कैमरे को, तो ये फ़ोन बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया। और इस फ़ोन की फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे हमें जो सेल्फ़ी शूटर मिलता है, वो जो सेल्फ़ी शूटर है वो भी हमारा 24 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी शूटर है, जो कि अगेन बहुत हाई कैपेसिटी और अच्छी कैपेसिटी का इसके अंदर जो कैमरा लगाया गया है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी कैमरा ऐप को ओपन करते हैं और इस कैमरा के अंदर हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पिक्चर साइज़ जो है वो 24 मेगापिक्सल पर इस टाइम सेट है और अगर हम इसको 16:9 पे भी हम इसको सेट करते हैं, यानी वाइड एंगल मोड में हम इसको सेट करते हैं जो कि 16:9 है, और अगर इसके साथ साथ हम दूसरा मोड अगर सेलेक्ट करेंगे 24 मेगापिक्सल वाला, तो ये 4:3 के हिसाब से आपकी पिक्चर जो है उसको खींचेगा। तो हम 16 मेगापिक्सल में भी अगर जाते हैं और इसके साथ साथ आपको देखने को यहाँ पे ये मिलेगा कि वीडियो साइज़ हमारे पास दोनों में 4K अवेलेबल है, और यहाँ से हम इसको दोबारा 24 मेगापिक्सल पर चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी हमें UHD रिकॉर्डिंग जो है वो देखने को वीडियो साइज़ की मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर नीचे हम आते हैं तो ये फ्रंट कैमरा का जो पिक्चर साइज़ है, ये भी हमारे पास प्राइमरी कैमरा जो अवेलेबल है वो 24 मेगापिक्सल का है, लेकिन यहाँ पे हमें जो एक चीज़ देखने को मिलेगी वो ये है कि हमारा जो वीडियो साइज़ है वो फुल HD से ज़्यादा इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो कि 1920x1080 पिक्सल है। अगर हम इस फ़ोन के ये नॉर्मल शॉट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ये इस टाइम अपने ऑप्टिमल कंडीशन में है, तो अगर हम इसको 2x जूम करते हैं तो ये हम इसके 2x जूम को टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2x जूम में जा चुका है ऑप्टिकल जूम में, और यहीं से अगर हम इसको वापस नॉर्मल शॉट में लेके आते हैं तो ये अपने नॉर्मल शॉट पे आ चुका है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस फ़ोन में है कि आप इसमें वाइड एंगल जो शॉट्स हैं वो ले सकते हैं, जो कि 8 मेगापिक्सल का इसका जो कैमरा है वाइड एंगल शॉट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाइड एंगल शॉट में जो है बटन दबाने से तो ये उस मोड में जा चुका है। और ये जो वाइड एंगल शॉट है जहाँ पे बहुत सारे अफराद मौजूद हैं तो नॉर्मल शॉट में उनका फिट आना वो मुश्किल होता है, तो यहाँ पे और अगर आप बहुत सारी लैंडस्केप कुछ कैप्चर करना चाह रहे हैं तो वाइड एंगल शॉट जो है उसके लिए बड़ी परफेक्ट चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसकी इमेज की जो है यहाँ से कैप्चर करता हूँ, और इसकी अगर मैं बाद में डिटेलिंग में जाता हूँ तो हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज आपको काफ़ी डिटेल्ड इमेज जो है वो देखने को मिलेगी, और यही इस फ़ोन की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आपकी इमेज जो है काफ़ी डिटेल्ड है और नेचुरल कलर्स में होती है और काफ़ी शार्प होती है। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर इसको वाइड एंगल मोड में भी इसको कैप्चर करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं इसको अगर वाइड एंगल मोड में यहाँ से इसकी पिक्चर्स शॉट लेता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है काफ़ी डिटेल्ड इमेज मौजूद है इसमें। तो अब हम यहाँ से इसको जो चेंज करते हैं इस कैमरा मोड को और हम सेल्फी की तरफ इसका मोड जो है वो चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सेल्फ़ी जो कैमरा है वो इस टाइम ब्यूटी मोड पे ऑन है, तो मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ तो ये वही सेटिंग्स जो हमने पहले की हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो इसमें जो सेल्फ़ी मोड में भी आपको ब्लर जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा। I don't want no rest.
उम्मीद है आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को टैप करना भी मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई अपलोड हो आप उसको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़।